नमस्ते, मैं रेखा मिश्रा अपने किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊँगी मैंगो आइसक्रीम, बहुत ही क्रीमी और टेस्टी। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मेरी रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए बनाते हैं। पहले मैं अपनी सामग्री बताऊँगी। मैं 250 ग्राम मैंने क्रीम लिया है, बड़े ही आसानी से मेडिकल में, जनरल स्टोर, मॉल वगैरह में मिल जाती है, बहुत अनेकों कंपनी की आती है। 250 ग्राम मैंने हाफूस का पल्प लिया है, 100 ग्राम चीनी लिया है, मैंगो कलर लिया है, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो डालिए, नहीं तो नहीं। मैंगो का कलर वैसे ही बहुत सुंदर होता है। तो अब मैं इसे मिक्सर का जूसर का जार लूँगी और उसमें डाल करके पल्प और आम चीनी को इसे फेंट लूँगी अच्छे से। पानी ज़रा भी मुझे नहीं डालना है, 2-3 बूंद मैं मैंगो कलर डालूँगी, 2-3 बूंद डालना है, ज़्यादा नहीं। अगर आपके पास है तभी डालिए, नहीं तो मत डालिए, ज़रूरी नहीं है। अब मैं इसे फेंट लूँगी, फेंट लिया मैंने, ये देखिए बहुत गाढ़ा और मस्त कलर आया है। निकाल लूँगी इसे उसी बाउल में जिसमें मैंने मैंगो पल्प रखा था, फेंट लिया है इसे अच्छे से, ये देखिए कुछ इस तरह से रहेगा, पानी ज़रा भी ना डाले। अब मैं आइसक्रीम बनाना शुरू करूँगी। मैंने एक बाउल ले लिया है, आपके पास टोप हो, बाउल हो, कांच का जो भी हो वो ले सकती हैं। और इसे मैं 1 घंटा पहले फ्रीजर में फ्रिज करने के लिए, ठंडा होने के लिए रखा, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है तो क्रीम नहीं बन सकेगा अच्छे से आइसक्रीम का। विप्सर से भी बना सकती हैं, विप्स मशीन से भी बना सकती हैं, तो मैं विप्स मशीन से बनाऊंगी। विप्स मशीन से 5 मिनट लगेगा, विप्सर से 20 मिनट लगेगा फेंटने में, लेकिन आइसक्रीम वैसे ही तैयार होगी। तो चलिए बनाते हैं। पहले मैं इसे स्लो मोड पे मैं चलाऊंगी, क्रीम को थोड़ा आराम से फेंटना है। जैसे जैसे क्रीम हमारा फूटता जाएगा, अब मैं इसे फास्ट कर दूँगी, फिर से फास्ट करती करके 2 मिनट तक मुझे फेंटना है। ये देखिए किस तरह से सारे क्रीम हमारे एकदम आइसक्रीम तैयार हो गया है, अब भगोना फूक जाता है एकदम। दिखाती हूँ मैं, इसका यही अंदाज है कि अब हैंडल से क्रीम गिरना नहीं चाहिए। अब मैं डालूँगी मैंगो का पल्प, सारे पल्प को डाल दूँगी, ज़रा सा मैं बचा के रखूँगी गार्निशिंग के लिए। डाल करके इसे अब आइसक्रीम हमारी तैयार हो गई है, 2 मिनट केवल मुझे मिक्स करना है इसे। तो मीडियम मशीन चलानी है, हो गया, इसी तरह से मुझे फेंट लेना है। ये देखिए भगोना भर के पूरा आइसक्रीम हुआ है, कम से कम नहीं तो 250 से 300 तक की आइसक्रीम है। आप मैं डब्बे में इसे सेट करने के लिए, जमाने के लिए रखूँगी, आप कटोरी में, कप में, जो चीज़ में आपको पसंद हो उसमें रखिए। तो मैंने एक फ्रीजर में डब्बा लिया है, प्लास्टिक का है, आपके पास जैसा डब्बा हो उसमें साफ़ करके अच्छे से भर दीजिए। तो मैं फ्रीजर मेट में रखूँगी, डब्बे में मैं सेट करने के लिए, इसे भी मैंने फ्रीजर में ही रखा था। ये देखिए मीडियम ही डब्बा है 500 ग्राम का, 2 डब्बे हमारे आइसक्रीम तैयार हो जाए गए हैं 250 ग्राम क्रीम में। एक डब्बा मैं भर करके इसे सेट करने के लिए रखूँगी, 7 से 8 घंटे तक मुझे इसे फ्रीजर में सेट करने के लिए रखना है। टैप कर दूँगी ताकि ज़रा भी इसमें एयर ना रहे आइसक्रीम में, ये देखिए, और इसे ब्रश से अच्छे से चिकना कर लूँगी और बंद करके इसे मैं फ्रीजर में रखूँगी। बंद कर दिया, अब मैं इसे फ्रीजर में रख दूँगी सेट होने के लिए, मिलती हूँ 7 से 8 घंटे बाद। अब मैं देखूँगी आइसक्रीम को, 7 से 8 घंटे बीत गए हैं, वाह बहुत सुंदर आइसक्रीम बना है, देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। अब मैं इसे सर्व करूँगी। बहुत सॉफ्ट आइसक्रीम बना है, ये देखिए कलर भी बहुत सुंदर आया है, दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। बाजार का आइसक्रीम भी ये आइसक्रीम फेल कर देगा, देखिए कितने सॉफ्ट आइसक्रीम बनी है, क्रीमी। सर्व कर लिया मैंने, और जो थोड़ा सा मैंगो का पल्प रखा था उससे से मैं गार्निशिंग करूँगी। अगर हमारा ये
आइसक्रीम मैंगो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बनाइए, खाइए। रियल मैंगो का बल्ब का आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी होता है, आप भी बनाइए, खाइए, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जल्द लौटूंगी किसी नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।